नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नव निर्वाचित सांसद शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद स्पीकर पद के लिए भी चुनाव होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, जिसके बाद ये पहला सत्र है। इस 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत है। इसमें भाजपा के पास 240 सीटें हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। विपक्षी दल इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं, जिसमें से केवल कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। शपथ ग्रहण की बात करें तो पीएम मोदी और उनके मंत्री परिषद के सदस्य कल यानी कि 24 जून की सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पहले पीएम द्वारा शपथ ली जाएगी, उनके बाद मंत्री परिषद के अन्य सदस्य शपथ लेंगे। इसके बाद विभिन्न राज्यों के सांसद वर्णमाला के क्रम में शपथ लेंगे, यानी कि सबसे असम राज्य के सांसद शपथ लेंगे, तो अंत में पश्चिम बंगाल के सांसद। 18वीं लोकसभा के पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री परिषद सहित 280 नव निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। वहीं दूसरे दिन 264 नव निर्वाचित सांसद शपथ लेते हुए नजर आएंगे।